शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आज का प्रसंग लेने के पूर्व आप गाहे बगा जगत गुरु, आप जाओ मेरे ठीक है भगवान। अब उठाते हुए हम लोग अपने गीता जी के 12वें अध्याय की व्याख्या आचार्य भक्ति आचार्य नारद जी से का तजर्बा का लाभ उठा रहेंगे। प्रभु मुझे शक्ति दे उनके इस सूक्ष्म भाव को मैं प्रकट कर सकूं। बड़े सूक्ष्म और गंभीर भाव है, एक एक शब्द में बहुत भाव छिपे पड़े हैं। तो भक्ति क्या, भक्ति का स्वरूप क्या, भक्ति में क्या होना चाहिए, इन दिनों जा रहे भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए, प्रेस यानी संयम यानी प्रिवेंशन, भक्ति में किसका प्रिवेंशन होता है। ओ मेरे देवियों, मेरे सजनों, पहले बड़े विस्तार से उन्होंने 3 सूत्रों में बताया भक्ति में होना क्या चाहिए। वेल एंड गुड, आप बता रही हूं तो ये प्रसंग अधूरा रह जाता। भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी चीज की कमी को दूर किया जाता है इन दोनों बातों की जरूरत पड़ती है। हाँ, उचित अनुचित, अच्छा अफर्मेटिव नेगेटिव। अब नारद जी नेगेटिव साइड ले रहे हैं। अच्छा, तो बता रही है भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए, ये हमें बताया गया। हमें इस 5वें सूत्र से शुरू किया उन्होंने। क्या नहीं होना चाहिए, भक्ति का को साधन नहीं बनाना चाहिए संसार की कामना पूरी करने के लिए, बल्कि भक्ति तो होती है संसार की कामना को खत्म करने के लिए। अगर कामना में मन लगा रहेगा तो कभी भी जीव भक्ति नहीं कमा सकता। मन तो एक ही है ना, आइदर टू दिस साइड आर टू दैट। ध्यान देना मेरे देवी, जरा एकाग्रता पूर्वक। अगर जो आदमी भक्ति का चलिया कट के दुख कुछ नहीं करके तो वो करती है कामना पूरी करवा दे, दरअसल भगवान की कसम वो भक्त नहीं है, वो ठगत है। वो भगवान के साथ सौदाबाजी करते हैं, वाला जिसे फॉरगेनिंग, वो भक्ति नहीं करते। ये मैं बिल्कुल भक्ति कमा के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना है मेरे देवियों। ओ मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, वो तो कामना को निकाल देती है। अच्छा, कामना होती किस लिए है, अपने अंदर की खुशी की पूर्ति के लिए। तो भक्ति से इतनी खुशी मिल जाती है, देयर इज नो नीड ऑफ एनी डिजायर। बाकी क्या रह जाता है, कोई कमी रहती नहीं। इतना आनंद, इतना हर्षोल्लास, इतनी प्रसन्नता जिसका स्वरूप बताया गया। क्या अमृत स्वरूपा थी भक्ति का स्वरूप, क्या उसका स्वरूप का वनज एस्पेक्ट ऑफ दी भक्ति अमृत स्वरूपा, वो अमृत स्वरूप है। अच्छा, अर्थात अमृत जैसा उसमें, जैसा तो कहना भी मैं तो गलती कहूंगा, अमृत को भी लज्जाने वाला रस, यही आज के इंसान को जो पढ़ता भी जा रहा है पता नहीं कि जो मैं चाहता हूँ शांति कैसी खुशी जो उत्तर उत्तर बढ़े। ध्यान देने शब्द का, हमें कैसी खुशी चाहिए जो घटे नहीं, डे बाई डे इंक्रीजिंग चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती हुई नजर आए। जैसे चंद्रमा करवाए आज एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। हाँ, भक्ति की कभी पूर्णिमा नहीं आती क्योंकि भक्ति बढ़ती रहती है। कभी किसी भक्त ने आज तक ये नहीं कहा बट मैंने इतनी करनी थी भक्ति। है नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। न तो अपने भगवान का कभी अंत हो सकेगा और न ही भगवान की बातों का और भगवान की कथा का, भगवान के ज्ञान का और भगवान के रस का कभी अंत हुआ। इसलिए सारे हमें चेतावनी दे गए भक्ति की कभी पूर्णिमा। चंद्रमा की पूर्णिमा तो हर महीने आती है, भक्ति की पूर्णिमा आज तक ना आई और ना कभी आएगी। क्योंकि भगवान जब अनंत है तो हमको मेरी भक्ति पूरी कर ली तो भगवान तो फिर अंतवान हो गए। अगर हम कहते मैं तो भक्ति पूरी कर ली जिससे मतलब भगवान पूरी हो गए, फिर मैं बड़ा हो गया भगवान छोटे हो गए। अगर मैंने कहा 5 किलो दूध पतीले में आ गया तो पतीला फिर 8-10 किलो वाला होगा जिससे 5 किलो मैंने पूरा रस लिया, मेरी पूरी भक्ति कर ली। जिसका मतलब मैं भगवान से बड़ा हो गया, तभी तो उनकी भक्ति को अपने में ले लिया है। तो ये कहना मूर्खता होती है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। दिन प्रतिदिन जीव आगे और बढ़ता रहता है। कभी मीरा ने जीन का जो चोटी की भक्ति मची थी तो मेरी भक्ति पूरी हो गई, शरीर समय समा गई। कभी नारद जी ने जो भक्ति के आचार्य कहलाते हैं और हम आदर मान से कहते कि मेरी भक्ति संपूर्ण नहीं, स्टिल मोर करते हुए नो मोर, मोर करते हुए नो मोर। बिल्कुल ही मालिक में चली नहीं जाती है। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, परमात्मा करे यही अवस्था हम जैसों पर भी आनी चाहिए। भगवान हमारे पर भी और कृपा करे कि हमारी ये अवस्था बने। अच्छा, मैं आगे बढ़ू तो समझाते हुए कह रहे थे आगे 9वें श्लोक में आए क्या नहीं होना चाहिए। तस्मिन अनन्यता, भक्ति में क्या होती है भक्ति तस्मिन, उस निरोध को निरोध समझा रही है। वो भक्ति कैसी होती है क्या अनन्यता, जिसमें अनन्यता आ जाती है। अनन्यता अन्य की ओर मन नहीं जाता। मैं यही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इस पे नारद जी ने और मेरे भगवान जी ने गीता में बड़ा जोर दिया। अनन्यता गीता का ये भाव बड़ा प्रसिद्ध है जो करती है 42वां श्लोक जो यकदिल जीवन रखे दुई। ये आजकल के जमाने में बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े जो दिलो जान से भगवान की भक्ति कर रहे हैं या मनोयोग पूर्वक भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सब तो जैसे भी मेरे भाई शेख चिली के शब्द बता रहे थे राष्ट्र भाषा का, क्या करती है मनोराज्य करती है। मनोराज्य अर्थात हवाई के लिए खड़े करना। अच्छा, वो यथार्थ रूप में जुटते नहीं है तो कलयुग ने शाप दे रखा है या पता नहीं कलयुग में क्या है। सच्चाई से जुटने वाला लगने वाला कोई होता, सच्चाई से जो जुट जाए लग जाए। आगे नारद जी बताएंगे सच्चाई से कौन जुटने वाला होता है, जिनमें ये 6 गुण आ जाते हैं। जरा हम भी अपने आप को देख रहे, उनको अनन्य पुजारी कहा गया। 6 गुण कितनी हमारी सेवा कर गए, जिनमें ये 6 गुण ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हो अंतरकरण में। ध्रुव तारा तो चमकता है अपने इधर आपके उत्तर की ओर, लेकिन ये 6 गुण भक्तों के मन में चमकते हैं। आप जैसों में चमकनी चाहिए। Those who are pure in their heart, जैसे आप भक्ति द्वारा कल्याण चाहती है और जी सोचना चाहिए कि मैं भक्ति क्यों करूं, प्रसन्नता लेने के लिए, खुशी लेने के लिए। हमने पढ़ाई की, हमने कमाई की, हमने शादी किया, एवरी एक्टिविटीज जो हमसे संपन्न हुई है खुशी के लिए तो होती है। नाम कमाते हैं, अफसर बनते हैं, जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए। लेकिन ये तरीका ही गलत है। जीवन के 4 दिन आराम से नहीं काटेंगे क्योंकि भगवान ने दुनिया में परिवर्तन ही बनाया। हर एक नर नारी बड़े प्रसन्न होते मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, यदि संसार में परिवर्तन का अटल नियम न होता। परिवर्तन का तो अटल नियम है। Change is the unchangeable law of nature. Change is the unchangeable law of divine nature. परिवर्तन तो अटल नियम है परमात्मा का, परिवर्तन होके रहेगा. What about your peace of mind? What about your calmness and quietness? अगर परिवर्तन हो जाना है तो मन की शांति तो मिल जाएगी, क्योंकि आपका आधार है नौकरी, पढ़ाई, इज्जत, श्रीमान, श्रीमती, बाल बच्चे, संसार का पैरा फैमिलिया ही तो आपका आधार है खुशी का. तो ये तो हिल जाएगा तो हमारी शांति भी हिल जाएगी. सोचा करें आप जरूर. सिर्फ भक्ति को ब्राह्मणों की एक देन न समझे या ब्राह्मणों की संपत्ति नहीं है, बल्कि हर एक इंसान जो जीव इंसानी रूप में पैदा हुआ है उसका धर्म हो जाता है सोचना कि जो मुझे चाहिए फ्रॉम देयर आई विल ऑब्टेन. ये जरूर विचार किया कर मेरी बेटी, हमें तो वही शांति चाहिए जो उत्तर बढ़ती रहे. वो कहां से? भगवान की भक्ति के बिना कहीं से नहीं मिलेगी. जीव ट्राई करता रहे, उसका हर ट्रायल क्या होगा? अनसक्सेसफुल, फेल्योर मस्ट बी, क्योंकि फिर परिवर्तन आ जाना है. संसार में कोई भी चीज ले लो, परिवर्तन से क्या होगा? मन भी हिल जाएगा. देन अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेट्रा. इसी तरह आज कितने नर नारी इन्हीं बातों में तबाह होते जा रही है. तो नर जीनी का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पास. क्या अनन्यता कौन होती है? मैं अभी कह रहा था जिनमें ये 6 गुण हो. अनन्यता मतलब जिनका मन भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाता. अपने कर्तव्य कर्म तो निभाती हैं, लेकिन पूरा पेट जिन्होंने अपने मालिक को पकड़ा हुआ है. ये कौन होती है जिनमें ये 6 गुण? जरा देखिए, मैं भी देखूं और आप भी अपने आप को देखिए. कितनी यूनिवर्सल बात वो हमारे लिए छोड़ गए. अनन्य का जो पूरा पेट पहला गुण, जो पूरा पेट भगवान के अनुकूल चल रही है. वाह, आप सब बड़ी सीरियस और सिंसियर है. अपने आप को देखना, 6 गुण जिनमें रिजाइड कर रहे हैं वो भगवान की चोटी के भक्त माने जाती है. पहला जो बिल्कुल भगवान के अनुकूल चल रही है, बिल्कुल अनुकूल चल रही है. अनुकूल जैसे उनका उपदेश है गीता जी के अंदर, उसी के मुताबिक जो अपनी जिंदगी दिन काट रहे हैं. अच्छा, बिल्कुल उनके मुताबिक. प्रतिकूल कोई कार्य उनसे होता ही नहीं. नंबर 2, प्रतिकूल कोई कार्य नहीं होता. ध्यान देना, हर भैया, हर मेरे कल्याण कामी देवी, हर मेरे बुजुर्ग और हर मेरे जवान भाई, यंगस्टर्स स्पेशली जरा ध्यान दीजिएगा, उनसे उल्ट काम नहीं होते. अनुकूल कार्य होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते. क्योंकि उनके अंदर आप मुझसे पूछ सकती है क्या बात, सारे काम भगवान के अनुकूल ही होंगे. क्यों? सतोगुण बढ़ता जा रहा है दिन प्रति दिन, दिन ब दिन सतोगुण आपका बढ़ोतरी की हो रहे. अच्छा, जब सतोगुण बढ़ता है तो दूसरी इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन आ ही नहीं सकता. बैड इंप्रेशन ही आएगा तो बैड विचार कहां से आएगा? और बैड विचार नहीं हो सकता तो बैड एक्शन हो ही नहीं सकता. पहले संस्कार, संस्कारों से विचार, विचारों से कर्म. तो जब काज ही नहीं तो इफेक्ट कहां से होगा? जब कारण ही नहीं मेरी भगवती तो कार्य हो ही नहीं सकता. कोई ना कोई कारण होना चाहिए तब हम कार्य करते हैं. जहां भी आए हैं कोई किसी कारण को लेके आए हैं. हाँ, अगर आप मुंह रख के किसी का आते हैं दैट इज अनदर मैटर. अदरवाइज सिद्धांत ये कहता है कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे कारण होता है. बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता. गुड. तो इधर तो बुरे कर्म का संस्कार ही नहीं, विचार ही नहीं. संस्कारों से विचार, इंप्रेशन से थॉट, और थॉट से एक्टिविटीज, और एक्टिविटी का रिएक्शन वेदर गुड और बैड, हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल. इसलिए कहा जाता है कि भगवान का प्यारे जो आप जैसे सच्चे और पक्के हैं, जो बिल्कुल अपना कल्याण करना चाहते हैं भक्ति के माध्यम से, कोई उल्ट कार्य भगवान के नहीं करते. नंबर 3 गुण जो सबसे भगता है, उनमें तीसरा गुण कौन सा होता है? कष्ट पड़ने पर वो पूरा प्रेम भगवान का सहारा लेते हैं. कष्ट पड़ने पर वो देवी देवता का सहारा नहीं लेंगे. कष्ट पड़ने पर वो रिश्तेदारों को तारे और पात्र नहीं डालेंगे. कष्ट पड़ने पर और पड़ोसियों के तलवे नहीं चाटेंगे. वो अपने भगवान को पुकारेंगे. और क्या कहती है? अपने भगवान को पुकार के, कौन जानत है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहार। हमेशा पता लगता है दोस्ती का संकट में मुसीबत पड़ती है तो आदमी फिर अगर टल जाए तो उसका इश्ते भी कोई ना हुआ, फिर तो उसका कोई दीनी मानी नहीं। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, मुसीबत में इंसान की पहचान होती है। हाँ, धर्म की, नारी की, मित्र की कब पहचान होती है? जब मुसीबत पड़े। दुख पड़ने पर पता लगता है कि मेरी पत्नी कितने पानी में है। दुख पड़ने पर पता लगता है कि मैं कितना धर्मशील हूं है। दुख पड़ने पर पता लगता है कोई मेरे साथ पूरी हमदर्दी करने वाला मित्र कौन। वैसे तो हमारे यहाँ प्रसिद्धि है, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। वाह, जो नीड में काम आता है, नो डाउट इंडीड, वो हमारा मित्र है। मुसीबत में जो साथ दे वही मित्र कहलाए। तो किसी को जरा और एक्सपेंड किया हमारे महापुरुषों ने। पत्नी की तो मुसीबत में काम आए तब बतलाती है। धर्म जो मैं आपको सिखा रहा हूँ गीता का, यह है क्या? हमारी मुसीबत में, हमारी मिजरीज में, डिफिकल्टीज में, अफ्लिक्शंस में काम आए तब कह सकते हैं कि मैं एक धर्मशील व्यक्ति हूँ। अदरवाइज अगर मैं डोल जाता हूँ तो मैं धर्मशील क्या हुआ? अच्छा, कष्ट में मैंने कहा तीसरा, जो केवल भगवान को पुकारे। अच्छा, मुसीबत पड़ने पर जो जरा भी भगवान की भक्ति से टस से मस ना हो, चौथा। अच्छा, जो आंखों में अपने भगवान की चिंतन में लगा रहता है, पांचवा। अच्छा, छठा, जो भगवान की जात में समाया ही चाहता, एक में ही हुआ चाहता। ये 6 गुण भक्तों में चमकते हैं। आप अपने आप को देखते रहना, विशेषकर पहले दो पर या पहले 3 पर विशेष ध्यान दीजिए। मैंने हमेशा भगवान के अनुकूल रहना है, मैं कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकता। तीसरा, मुसीबत पड़ने पर मैं अपने मालिक को पुकारूंगा, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगा, कोई गिला शिकवा अपने भगवान से नहीं दूंगा। क्योंकि मुसीबत के मतलब होता है कोई कठिनाई। तो कठिनाई कब आई? कोई मेरे बुरे कर्म इस रूप में प्रकट हुए थे। तो बुरे कर्मों को दूर करने का तरीका, अगर मुझको मन में बसाएगा तू मेरे भगवान का अटल वचन, जो गीता के 18वें अध्याय में कहते हुए गीता का उपदेश संपूर्ण कर दिया, हर रोग से पार जाएगा। दैट इज द ओनली वे। सो फॉर वर्ल्डली अफेक्शंस एंड सॉरोज आर कंसर्न्ड, अपने मालिक को पुकारे। तो आइएगा, अनन्यता किसे कहती है? भगवान पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण क्या करिए, अन्य का सहारा में लेना, मालिक पर। बाकी माता जी है, पूर्ण उनकी सेवा करना, पिताजी है, बहन है, भाई है, श्रीमती है, श्रीमान जी है, या जो हमारे नियर डियर रिलेशंस है, पूरी उनकी सहायता करना। भगवान का फरमान मैं और आप कभी अनादर कर सकते हैं या भुला सकते हैं? प्रभु ने क्या कहा? एक दूसरे को करो साझेदारी, एक दूसरे की मदद कीजिए। आज आप उनके काम आइए, आपकी कसम कल वो आपके काम जरूर आएंगे। क्योंकि एक्शन क्या रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन हमेशा आमने सामने और बराबर हुआ करता है। टुडे अगर मेरे नोबल एक्शन है तो कल उसका रिएक्शन मस्ट बी नोबल। एक इंसान क्यों दुखी होता है? एक नोबल एक्शन करके अशुभ कार्य करता है और चाहता है कि मैं 4 दिन आराम से करूं, तो वो तो दूसरे के काम आ रहे हैं, आते रहेंगे। लेकिन सहारा अपने भगवान का पूरा पे, और कालों की दुनिया में भगवान, ये आपने विशेष करके देखना है। नारद की भक्ति सुन रहे हैं आप, विशेषकर वो अनन्यता सब लगा रही है। भक्ति किसी कहती है? जिसमें अनन्यता है। एक्सक्लूसिव डिवोशन इज भक्ति टू द ट्रू सेंस। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूडिंग योर माइंड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म एंड इंक्लूडिंग इन वन। हर पाए ये कितनी मुश्किल है आजकल के कलयुग जमाना के अंदर। अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक में डिपॉजिट कर देना। वाह वाह, इम्पॉसिबल तो नहीं, डिफिकल्ट तो जरूर है, लेकिन ये मार्ग है कि इनके लिए जिनमें दिव्य प्रेम वलाइम से डिवाइन लव ओवरफ्लो कर रहा है। ये मार्ग तो है ही उन्हीं के लिए जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो देवियां और सज्जन पुरुष अपना पूरा अपनी वेलफेयर चाहते हैं। अपनी वेलफेयर, और इंसान की वेलफेयर क्या है? दुखों से छूट, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, सब पारिवारिक दुख है, इन तीनों से निकल जाए। तो तीनों से तो निकलता है तब जब जी दिलो जान से भगवान की भक्ति करें। जहान की भक्ति करेंगे तो हमें क्या कल्चर मिल जाएगा, कामनी मिल जाएगी, कीर्ति मिल जाएगा। वी विल गेट मनी एंड वेल्थ, वी विल गेट ए ब्यूटीफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव गर्ल, वी विल गेट ए वेरी गुड पोस्ट। यही जहान दे सकता है, जहान क्या देगा? लेकिन क्या इन तीनों चारों चीजों से मिल जाने के बाद हम हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। इन चीजों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए निर्णय ये हुआ कि जिस किसी ने भी अपना पूरा अर्पण कल्याण करना होगा वो भगवान की भक्ति दिलो जान से करेगा, वो लग जाएगा अपनी भक्ति के अंदर। यही भगवान ने गीता जी के माध्यम से हमें उपदेश दिया है, जो हमने सिर आंखों पर रख लिया। और नारद जी इधर उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। अनन्यता, अन्य की ओर मन नहीं जाता उसका, जो पूर्ण पे भगवान के भक्ति कर ही न करने का। भगवान की भक्ति आपको हैरानगी में कि तो दुनिया में सारी भगत है बेटी, सारी भगत है। कोई जहान के भगत, कोई भगवान के भगत। और अगर इन दोनों में से किसी की भक्ति नहीं को करना चाहता तो क्या होगा? आत्महत्या। विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर किसी को इतराज हो, मेरी जबान में लगाम दे दो। अगर उसका जहान में भक्ति नहीं करना चाहता, ना उसे धन चाहिए, ना बीवी का प्यार चाहिए, ना पति का प्यार चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना लेना देना चाहिए, और घर के अंदर धंधों में भी नहीं लगना चाहती, तो क्या होगा? आत्महत्या जो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा मन टूट जाता है। संसारी आदमी का मन संसार की भक्ति कर रहे थे, माँ की, बाप की, बहन की, भाई की, पति की, पत्नी की, कमाने में, इज्जत में और बतेरे कामों में लगे हुए थे। भक्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम एक जीव अपना टाइम लगाता है, ही इज द डिवोटी ऑफ दैट वेरी एक्टिविटी, जिसमें हमारा मैक्सिमम टाइम लग जाए। ही यू डिवोट मैक्सिमम आवर इन एनी वर्क, ही इज द डिवोटी ऑफ दैट वर्क। अगर आप ज्यादा टाइम अपना घर में लगाती है तो आप जहान की भक्त है। हाँ, और अगर मैं और आप अपना ज्यादा टाइम भगवान में लगाती है तो हम भगवान की भक्त खिलाएंगे। तो भक्ति दो प्रकार की। कोई ये जरूरत नहीं कर सकता कि हम भक्त नहीं है। भक्त नहीं होते तो आप लोग, आपकी लाश मिलती, आप जिंदा चलते फिरते न होते। आपके मन में प्रेम है, आपके दैट इज मिस यूटिलाइज्ड, नो डाउट यू हैव गॉट लव, प्रेम है रही के मेरी देवी। लेकिन नारी जाति ने खासकर इस 20वीं शताब्दी के अंदर मालिक द्वारा दिए गए प्रेम का दुरुपयोग किया, शरीरों तक लगा लिया, अपने पुत्र धीनों तक लगा लिया, इज्जत का लगा लिया, कमाई तक लगा लिया, अपनी मेकअप करने में लगा लिया। मालिक ने तो प्रेम दिया, पर हम ही नहीं जानते मैंने इसका गुड यूज कैसे करना है। ओ सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, हमने मिस यूज किया इसका। अब हमारी भाग जाग गई कि हमारे में एक पावर ऑफ रियलाइजेशन या फीलिंग ऑफ रियलाइजेशन पैदा होती जा रही है कि नहीं, इस प्रेम को तो भगवान की ओर लगाना था। तो हम कब के सेटिस्फाइड हो गए होते, इसलिए तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आप कह सकते हैं हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी भोली भाली बेटी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। अगर सेटिस्फेक्शन मिली होती नहीं कामने कोई उठती। अगर तृप्ति हो जाए इंसान, हाँ नई कामना कोई नहीं है, नई इच्छा कोई नहीं, तो क्या हो जाता? तल्लीनता, तल्लीनता मालिक की जात में तलीन हो जाए। अगर वो तृप्त हो जाए तो जी, तृप्त नहीं होता तब नई कामना और कामना, सेल मोर सेल मोर सेल मोर, और आगे आगे बढ़ते जाते हो। वो मुबारक दिन होगा मेरी देवी मेरे सजनों, जबकि हमारा मन तृप्त हो जाएगा, बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फेक्शन। तब हमें बिल्कुल हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, तब जी मेडिटेशन या ध्यान के योग्य हो जाता है। शाबाश, कमान, हमारी भक्ति के आचार्य नारद जी क्या इशारा कर रही है कि जिन्हें भक्ति कमानी होती है हाँ भगवान की, तो वो क्या होती है? वो क्या हो जाते हैं? वो अनन्य पुजारी बन जाती हैं। उनका मन भगवान के सिवा कहीं नहीं दौड़ता, उनका मन भवरा नहीं बना होता, उनका मन बंदर नहीं बना होता है। जैसे बंदर इस टहनी से उस टहनी और उस वृक्ष के उसमें छलांगे मारते फिरती हैं, जैसे भवरा इस फूल से उस फूल। ओ मेरे सजनों, चूसता रहता है। इस तरह इंसान का बयान कभी इस बात को, कभी उस बात को, कभी ये बात को, कभी वो बात को। आज की नर नारी इतनी पढ़ी लिखी है तो क्या कहा जाए, टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर। इतनी एजुकेटेड होते हुए आज मैं यहाँ मन लगा रहा हूँ, कल मैं वहां लगा रहा हूँ। क्या कहूँ आज की नर नारी को, अत्र तत्र सर्वत्र। ये भी कोई जीवन है मेरी बेटी, इसलिए बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है। अत्र तत्र सर्वत्र, टुडे हेयर टुमारो देयर, देन यू विल फील एवरीवेयर। ऐसा इंसान बेचारा हैरान परेशान हो जाता है। ऐसी मेरी बेटी अपने आप में बहुत ही असमंजस में रहती है, दुविधा में रहती है, टू डू एंड नॉट टू डू। ये कितनी प्रॉब्लम बन चुकी है, क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने क्या ना करूं। कितनी हैरानगी, कितनी तनाव है। इसी को आज बच्चा बच्चा बोल रहा है टेंशन टेंशन। क्यों ये टेंशन हुई? हर एक को ये बीमारी लगी है टेंशन, और इसकी कोई गोली भी नहीं, कोई टीका भी नहीं, कोई कैप्सूल भी नहीं है टेंशन के लिए। हाय, इंटेंशन तो पक्की भक्ति से ही जाती है, और वो भी हरि भक्ति से, भगवान की भक्ति से। भला हो नारद आपका जो समझा रही है। सही भक्ति कौन कर रहा है? जिसका मन एक में जमता जा रहा, एक में बस वो कमाल कर जाएगा। वो मेरी बेटी गजब ढा जाएगी। एक में लग गए, एक को इष्ट देव बनाकर उसकी भक्ति में लग गए। और एक की भक्ति कब शुरू होती है? हाय, जब उसकी आज्ञा के अनुसार रहा जाए। अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, याद रखना सिद्धांत है ये। क्या भक्ति करने का मतलब आज्ञा मानना, आदर करने का मतलब उनके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन गुजारना। ना भूलना मेरे हिंदुस्तान के प्यारे भक्तों, ऐ मेरे हिंदुस्तान की भक्ति के द्वारा अपना कल्याण करने वाली देवियों, कभी ना भूलना। क्या अगर आप भगवान के भक्त हैं तो उनकी आज्ञा के अनुसार। वो देखो गीता का पन्ना पन्ना पुकार पुकार के कह रहा है, जो है मेरी तालीम पर कारबन, करे नुकता चीनी को जो ना पसंद। हाँ, जो मेरी भगवान कहते हैं, जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपनी मन और बुद्धि को चलाया जा रहे हैं और उनको निर्मल की जा रही है, वो कर्मों के बंधन से आजाद है। वो बिल्कुल इन कर्मों के चक्कर से छूट जाएंगे। बैड इंप्रेशन, बैड थॉट, बैड एक्टिविटीज and bad afflictions and sorrows, no more at all. Mind wholly and solely purified, clarified. कितना मन निर्मल विमल स्वच्छ हो जाता। हाय, बहुत अच्छे। जो मेरे प्रभु के पूर्ण प्रेम भक्त है, अर्थात भक्त का मतलब नहीं मैं टिक्के लगाने वाले या कपड़े पहनने वाले। पखंड, चारों ओर पखंड। हमारे कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं भक्ति का मतलब भगवान जी के अनुसार जुटना, टू ओबे टू ओबे टू ओबे। हाय हाय, और सुनो मेरी देवियों, ये वक्त किसी और प्रकार का जा रहा है। भक्ति मीन्स टू ओबे, उनकी आज्ञा माननी। हाय, उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी बुद्धि को चलाना, मन को चलाना और तन को चलाना। बुद्धि में, बुद्धि का काम क्या? निर्णय करना। उनके भगवान जी का निर्णय बुद्धि में रखना। मन का काम है विचार करना, तो विचार भगवान जी के अनुसार करना। तन का काम है कर्मों में लगना, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार शुभ कर्मों में लगना। तब हम सिर्फ झुका के घुटने टेक के कह सकती हैं मेरे मालिक मैं आप ही का हूं। हाय हाय, आपने शादी किया मनोरी, हाँ कह सकते हो मेरी पत्नी है। हाँ बाबा, मैं बड़े मान शान से कह सकते हो मेरी पत्नी है मनोरमा। मनोरी, तेरी पत्नी मनोरमा है। आपके पास क्या प्रमाण है? जो भी मैं कहता हूं बड़े आदर मान से मानती है। मैं जो कहता हूं ये काम नहीं करना, हाथ जोड़ के कह देती है कभी भी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। मेरी माँ का पत्र, उसकी माँ का पत्र आया था, तो उसने मुझसे आज्ञा मांगी, माता जी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो मैंने कहा आज नहीं जाएंगे, कल भी नहीं जाएंगे, परसों मैं तुझे साथ अपने ले चलूंगा। फौरन मानगी, जो आपकी आज्ञा, मैंने सारा जीवन आपके साथ काटना है। इसलिए बाबा मैं कह सकता हूँ कि मनोरमा मेरी पत्नी है, चूंकि पूर्ण प्रेम मेरी आगे के अनुसार रहती है। यही एक अप्लाई कीजिए भगवान पर। हम कह सकते हैं भगवान के भक्त हैं यदि मैं और आप पूर्ण प्रेम भगवान के आगे के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने तन के कार्य चला रहे हैं, तो भी हम गौरव के साथ कह सकते हैं मैं अपने भगवान का भक्त हूं। बड़े गौरव के साथ तो कह सकती है मेरी बेटी, बड़े फखर के साथ आप कह सकते हो। मैंने अपने भगवान के चरणों की दासी। आई एम दी फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बड़ी शान से कह सकती है आई एम दी फॉलोअर। इफ वी आर अबाइडिंग, ओबे कर रहे हैं, अबाइड कर रहे हैं, देन एंड देन। वक्त बड़ा गंदा है, भगवे कपड़े पहन लिए, मालाएं बार शो कर ली, एडवर्टाइजमेंट इन चीजों में कर ली, उल्टा एडवर्ट करते हम तो भगवान के भक्त हैं। ये गलत है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। क्रियाओं में ज्यादा शक्ति है, जबान में ताकत नहीं होती इतनी। प्रैक्टिकल रूप में दिखाएं, वाकई में अपने भगवान का प्यारा। तो हमारे भक्तिचार्य हमारे देव ऋषि जी फरमा रही है अनन्य अन्य की ओर नहीं जाता जिसका मन। देखिए जो कमी रहती है इसकी कमी को दूर कर लो। वो मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याण चाहने वाले भाइयों, एक के बन के बस बन गए और उन्हीं को सारा अपना जीवन गुजारते जाए। आजकल ऐसे भक्त बहुत थोड़े होते हैं जो एक के बन जाएं और उनकी आज्ञा को सिरधारी रखें, उनकी आज्ञा को माने। वरना लोगों को भगत कहलाने का शौक है, आए हाय मेरे प्रभु जी मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। आजकल भगत कहलाने का शौक पैदा हो गया है, लेकिन भक्ति करने का शौक नहीं। भगत कहलाने का शौक और भक्ति करने का शौक नहीं। जानते हैं आप भगवान ने गीता जी ने क्या कहा? बड़ा गंदा दिल है वो, मक्कार। भगवान कहते हैं वो हिपोक्रिट है, वो पखंडी है, जिसे कहलाने का शौक है, बनने का शौक नहीं। उस संसार तप नहीं करना, जप नहीं करना, अपने एकांत में बैठ के अपने आप को अंतर्मुखी नहीं बनाना, ये टेंडेंसी को इन गोइंग नहीं करना। ऐसे ऐसे आजकल आपको अनेकों मिल जाएंगे। हाँ नहीं, आपको तो अपना कल्याण करना है ना, मेरी उपस्थित कल्याण का भी देवी नहीं तो अपना कल्याण कर जाना है। तब नारद का फरमान, वो अनन्य पुजारी बन जाते हैं, वो भगवान की ओर झुक जाते हैं। अनन्य तक तीन चार दृष्टांत दूं आपके मन को समझाने के लिए। आप पार्वती तप कर रही हैं, बिल्कुल ठीक, सप्तऋषि उनके पास आती हैं और बताना चाहती हूँ मैं इसलिए तप कर रही हूँ मेरे सज्जनों। वो मेरी देवी, आप जानते होंगे रामायण में प्रसंग आते, शंकर को अपना पति बनाना चाहती है तो सप्तऋषियों ने वन बाय वन शुरू कर दिया, ये भी कुछ ने पति चुना है, वाह जिनका सांपों का श्रृंगार है और भभूति रमाता रहता है और बागंबर पहनता है, शेर की खाल बागंबर, तो बड़ी सोनी शक्ल है, ये क्या डरावनी उनकी सूरत है। अगर पति बनाना था तो आप विष्णु को नहीं बनाती। कितने सुंदर, कितने अच्छे महल और कितने तरीके से रहती हैं, इनको तो रहने का तरीका नहीं आता। शमशान की भभूति रमाती है। पार्वती तुझे क्या हो गया, इतना तप करती हो शंकर के लिए? अल्लड़ बल्लड़ भावे जाते बाबा मन पकावेगा, उस अल्लड़ बल्लड़ के लिए। सुनती रही कुछ और भी कहना। ये देखिए नन्हे का जवाब आता है, ऋषियों मैं तो आपकी बेटी हूँ, आप जो आपका जी चाहे कह लो, पर जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, मेरी भी करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी, वरु शंभू नहीं तो रहू कुआरी। ये है अनन्यता। अगर मैंने वर लिया तो शंकर को ही वर चुनूंगी, अदरवाइज मैं कुआरी रहना पसंद करूंगी। देवी बहुत ही अच्छे तब आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गए। उधर देखिए महाभारत में घटना आती है उपमन्यु की। उपमन्यु भी शंकर के बड़े पुजारी थे। और मेरी कल्याणकामी देवी, मेरे सज्जनों, वो भी अपने शंकर को मन ही मन में बड़ा पसंद करते थे और उन्हीं के अनुसार तप करते रहते थे। एक दिन इनके मन में आया, शंकर जी के मन में, थोड़ी सी जरा मैं परीक्षा तो ले लूं वो कितने पानी में है। तो इंद्र जी का रूप धारण कर लिया, इंद्र का रूप, और अपने जो उनका नंदी बैल है उसको अरावत हाथी की शक्ल दे दी, हाँ त्रिशूल को दे दिया उनके हाथ में, जो इंद्र के हाथ में होता है वज्र, वज्र का रूप बिल्कुल शक्ल बदल लिया और प्रकट हो गए और बड़ी आशीर्वाद देने लगे और कहने लगे, मांगो मेरे बेटे, मैं आपकी इस तप से बड़ा खुश हुआ। प्रभु मेरा धर्म है, आप देवों के मुखिया हैं, इंद्र है, प्रणाम करना, लेकिन आप वर के लिए कहती हो। हाँ वर मुझे कीड़ा बनना पड़े, चीटी बननी पड़े, और भी कोई गंदी योनि में जाना पड़े, वरूंगी तो मैं अपने इष्ट देव शंकर से वर लूंगा। मैं आपसे वर नहीं ले सकता। वर तो मैं उन्हीं से लूंगा जिनके मैं भक्ति करता हूँ, मैं जप तप करता हूँ, मैं जप करता हूँ। तत्काल इंद्र इंद्र नीराज शंकर के रूप में प्रकट हो गए। बेटी मैं तो आपकी भक्ति को देख रहा था कि whether you are steadfast in भक्ति or not, I am steadfast in भक्ति or not। गाय बगाय हमारे नहीं होता, हमारे इम्तिहान है, छिमाई है, रायनुमाई इम्तिहान है। तो इस देवी तो हमारे इम्तिहान लिया करते हैं ना। ये जैसे इम्तिहान का तो मैं कितने पानी में, मैंने कितना पढ़ा है, सब्जेक्ट में मेरी अच्छी तैयारी है या नहीं। ये टाइम टू टाइम हमारे एग्जाम होते रहते हैं, कभी वीकली टेस्ट होते रहते हैं, आज कभी होते रहते होंगे। तो ये भी तो इनके हमारे इस देवता के टेस्ट होते हैं। क्या हमारा अपना मन पक्का है ना, हम अपने आप में दृढ़ है ना, शबाश, अपने आप में लगे हुए है ना, शबाश। देखने कितनी अटल, ऐसे करें, इसे बोलते हैं अनन्यता। खिलाफ मन एक में लग गया, लग गया। अनन्य पुजारियों को एक ही मंत्र होता है। आजकल बहकाने वाले बहुत बहकाती हैं, खुद तो कुछ करना धरना नहीं है, लोगों के मंत्र बल। ये इस मंत्र में क्या है, कौन समझ जब तो हरे कृष्ण ले बुद्धू हरे राम जपता तो कब का कल्याण हो गया था। हालांकि इन भले मानसों से पूछा जाए, आपने कभी जाप किया, कभी आजमाया कि हरे राम में जल्दी ताकत आती है? जब तक भगवान कहती है मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी वर्ज में मुराद अपनी पाए, वो ऐसी बहकाते रहेंगे। हाँ, या तो कहेगा मैं तो जी नमः शिवाय का पाठ करता हूँ, अब दूसरे को तजर्बा नहीं होगा, अरे तुम नमः शिवाय जपते हो, हाँ तुम्हें तो ये जपना चाहिए। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया? उनको एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, जो दूसरे को बस बहकाना चाहते हैं, दूसरों को इधर उधर लगाना चाहते हैं। ये अनन्यता नहीं होती। मंत्र एक ही होता है, शास्त्र भी एक ही होता है, अच्छा तरीका भी भक्ति का एक ही होता है, गुरु भी एक ही होता है, इष्टदेव भी एक ही होता। उनको मेरे नारद कहना चाहते हैं, क्या वो क्या है, वो अनन्य है। दे आर एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव। उनका मन सिवाय उनके कहीं नहीं लगता। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, आपका मन सिवाय पति कहीं लगता है? कहीं नहीं लगता। कितने मेहमान आपके घर में आ जाए, कितने आपके पति के दोस्त आ जाए, लेकिन कभी भी आपकी आंखें और मन डोलता नहीं होगा, नहीं मेरे पति समान कौन। कितनी आपने दफ्तर के अंदर नारियां काम करती हो, क्लिनिकल जॉब के अंदर या और कामों के अंदर, पर मैं कभी नहीं सोच सकता कि आपका मन कभी भी किसी लड़की को दुष्टि दृष्टि से या ललचाई नजर से आप देख जाता, कभी नहीं। मेरे भगवान ने जो मुझे दी है, किसी के पास क्या होगी, कभी भी ललचाई नजर से नहीं देखेंगे। गुड, वेरी वेरी गुड, एप्लॉडेबल, एप्रिशिएबल। भगवान कितने खुश होते हैं उन नर नारी पर या उन जवानों पर जो अपने आप को डुलाते नहीं, एक में लगे रहते हैं। अगर आप ये उम्मीद रखती हो कि मैंने एक में लगे रहना है, हाँ यही तो अनन्यता है। ऐसे जी भगवान की नजरों में कितना प्यार और कितनी शक्ति पाती है। इनको नारद जी कह रही है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएंगे जिनका मन जरा भर भी डोबता नहीं। दे आर स्टेडफास्ट ओनली इन वन, हाय ओनली इन वन। मारिए गोता अपने अंदर, मैं भी इंट्रोस्पेक्शन करूं अपनी, और आप भी जरा निरीक्षण कीजिए। एक में लगा हुआ है ना मन, उन्हीं का जाप चलता है ना। लोगों को बहकाने पर आप बैठ नहीं जाती, क्योंकि कल जमाने में कर कोई आजकल कलयुग में अभ्यास करने वाला तो है नहीं। कितने मजहब मसाहिब, कितनी नारियां ने कोई सिर मुड़ाई बैठी है, कोई कहते हैं फलाने को भी आड़ू, कितने गुरु बना रखे हैं, कितने चेरियां बनी पड़ती हैं, कितने चक्कर काटती फिरती हैं, कितने तीर्थों में जाती फिरती हैं। तो आपका मन डोलता तो नहीं ना। कितने आपसे कुछ लोगों को पता लग जाए कि आप सत्संग में आते हैं, लोगों को पता लग जाए कि आप धार्मिक है, बढ़ चढ़ के बातें बनाएंगे, वाह बनाए जी वाह। ये आप क्या करते रहे, तो आपको मिला क्या वहां जा करके? कभी आप मेरे साथ वहां जाते तो बस आपका तो कल्याण हो गया होता। कितनी बेकाती है, तो क्या आपका मन डटा रहता है ना, आपका मन लगा रहता है ना एक जगह। तो दो मन माने की बात, भाई तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, पर मेरे लिए यही अच्छा है जहां मैं लगा हुआ अपने संस्कारों वश। आई एम द बेस्ट। विवेकानंद का भाषण पढ़ना कर्म योग के अंदर, मैंने पहले भी कई बार कहा, अगर आपने पढ़ा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ आप पढ़िए उनका। एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। ये अमेरिका में उनका 3 घंटे का भाषण है, आपको बहुत कुछ मिलेगा उनके भाषण से। एवरीवन इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस, हर एक व्यक्ति जिसको मेरे मालिक ने जहां रखा है उत्तम है। इसकी कितनी उच्ची अच्छी उन्होंने आर्गुमेंट दी है, हर एक व्यक्ति को मालिक ने जहां रखा है ही इज बेस्ट इन हिज ओन प्लेस। कभी ना रोगा मुझे भगवान ने नारी को बनाया, बेटी नहीं, यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस। कभी कहते हैं मुझे मैं गरीब घराने पैदा कर लो, ये आपका गलत शिकवा है, यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस। इससे क्या होता है, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, मन बिल्कुल एकाग्र रहता है। मेरी नौकरी नहीं अच्छी, गलत, जहां मेरे मालिक ने आपको रखा यू आर बेस्ट इन योर ओन प्लेस। मेरे पास डिग्रियां बहुत है लेकिन मुझे मेरी नौकरी मेरी डिग्री के मुताबिक नहीं है, यू आर रॉन्ग, मिस्टेकन, जहां मेरे मालिक ने आपको रखा यू आर बेस्ट। आपने पूरी कोशिश की लेकिन आपको मिलना तो वही है जो मुकद्दर में है, इसलिए बेस्ट। इससे क्या होगा, मन आपका एकाग्र रहेगा, मन आपका संतोषी रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, आप कभी पीस ऑफ माइंड को लूज नहीं करेंगे। ऑलवेज गिनिंग गिनिंग गिनिंग, वो बड़े मूर्ख है जो लेकर के कुछ नहीं बना, मेरे हर वक्त गिले हर वक्त शिकवे। होना तो वही है जो हमारे मुकद्दर में है, लेकिन गिले शिकवे शिकायत से हम लोग शांति को एंजॉय नहीं करते। घर में शांति आती है, हम अपने मन को रफल कर लेते हैं, अपने मन को हैरान कर लेते हैं। वरना आप जैसे संतोषी जी पक्के रहती हैं अपने आप में, आप जैसे संतोषी मेरी देवियां अपने आप में, दिल के बिल्कुल ठीक है जिस तरह मैं जुट रही हूं, बहुत ही सुंदर। लोगों का होगा जैसे होगा, मुझे उनसे क्या मतलब। मैंने कितनी बार आपको पहले कहा नारद जी में रह दे रही और यही भाव हमने मन में बिठा रखा है, तो अपनी नबेड़ तेनी होर नाल की, वे गठड़ी अपनी संभाल तेनी चोर नाल की, चैन ते आराम नाल बैठ जाने कुटिया, वे जग दी झमेले विच मता जावे लुटिया, और तू अंदर बह के जप सोनिया तेनी शोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनी होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनी चोर नाल की। वाह कैसी अच्छी बात मां कुछ बता गए, तो हमारा मन क्या होगा, हमारा मन बेचैन नहीं होगा, हमारा मन बेकरार नहीं होगा, अपने आप में रहेगा। क्या मैंने अपनी साधना कर जानी है, मुझे क्या, कोई ऐसा मुझे क्या। दुनिया में मैंने अभी भी कहा साधना करने वाले नहीं होते, बकबक करने वाले बतेरे, टांगे घसीट के गिराने वाले बतेरे। पता नहीं ये किस नरक में जा गिरेंगे जिन्होंने अनजाने जाने में ये पक्का कर रखा है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे हम। आजकल बतेरे ऐसे यार दोस्त मिलेंगे, जिसो कॉल्ड फ्रेंड, जिसो कॉल्ड रिलेटिव्स, तथा कथित मित्र, तथा कथित रिश्तेदारी, तथा कथित नॉट रियल एंड जीनियल फ्रेंड एंड नॉट रियल एंड जीनियल रिलेशंस, सो कॉल्ड यानी तथा कथित, जो आपको टांगे घसीटेंगे, आपको इधर उधर बातें बनाएंगे। तो नारद जी क्या कहती है, जिन्होंने जल्दी भक्ति कर जानी है, क्या होते हैं अनन्य एक में एक इष्ट देव को लेकर, एक उसका मंत्र लेकर जुट जाते हैं। जिंदगी के दिन तो थोड़े गए, अगर हम यूं निर्णय करते रह गए, ये करें कि वो करें, वो करूं को ये करूं, ये कहते हुए मुझे याद आ गए विवेकानंद के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस, जो इस 20वीं शताब्दी में बड़े चोटी के महापुरुष हुए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए छोड़ गए। तो उनसे इसी विषय में, अनन्यता का विषय मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों पूछा गया। उन्होंने कहा भी मैं तो एक ही शब्द, बड़े भोले भाले थे, पढ़े हुए थे नहीं, पर बातें ऐसी गजब का करते थे कि हमारे लिए बहुत कुछ दे गए। अब इसी अन्यथा विषय में जरा उनका एक दृष्टांत लीजिए और लाभ उठाइए। क्या फरमाती है हमारे 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के उच्च कोटि के गुरुदेव, कहती भी मैं तो एक बात जानता हूं, एक बाजार के नल से, पब्लिक नल से पानी भरता था, ध्यान देना जरा प्लीज, पब्लिक नल से वो पानी भरता था, लेकिन अब उसको तो उसके अनुसार बाजार के मुताबिक ही तो पानी मिलता था, 2 बाल्टियां 4 बाल्टियां 5 बाल्टियां, क्योंकि बाकी दुकानदारों ने तो लेनी है ना, नो डाउट। तो उसका मन तंग आ गया, उसको तो पानी ज्यादा चाहिए था, तो किसी ने राय दी क्यों नहीं तुम अपने आंगन के एक कोने के अंदर अपने करवा लो, अपनी जमीन खुदवाओ और अपना नल लगवा लो। हाँ, अब उसने कहा बहुत अच्छी राय है, मैं अपने घर में ही जमीन खुदवाता हूँ, बोरिंग शुरू करवा दूंगा और भगवान मुझे पानी दे देंगे। देवियों सुनो जरा रामकृष्ण परमहंस जी की सजनों बड़ी अनमोल बात। हाँ, तो उसने खुदवाना शुरू किया। इतने में उसका चाचा आ गया, उसी नगर में रहने वाले थे अंकल, वो आ गए। अरे मनोहरी, क्या कर रहे हो? चाचा जी, ये आप कई दिनों से, आपको पता है, बड़ा कष्ट है, बाजार से बाल्टियां तो उतनी मिलती हैं जितनी जरूरी होती हैं। हाँ, तो इसलिए मैं तो ये कर रहा हूँ, अपना ही ना लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा कर रहा है तू, भगवान तुझे कामयाब करे। हाँ, कब से खुदवा रहा है? चाचा जी, ये कोई 8 बजे से खोद रही है, 1 बज गया। कितने गए अभी फुट तुम? मैं आम तो अभी 32 फुट फुटी है। मैं रेट आई कि नहीं? नहीं। नालायक बेटी, ये तुझे धोखा दे रही है, यहाँ छोड़ परे। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, यहाँ से हटके ना, ओ जरा परे होकर खुदवा। और लाई लग ने, क्रेडुलस माइंडेड ने, चाचा कहना माना और वहां खुदवाने लग गया। चाचा कह के चला गया। हाँ, अब 33 फुट उस जगह चले गए। तो इतने में क्या ताया जी आ गए और वो कहने लगे, क्या कर रहे हैं? चाचा जी, पानी की तंगी थी ना, हाँ, तो मैं खुदवा रहा हूँ, वहाँ चाचा जी ने रोक दिया है, और यहाँ खुदवा रेत आ गई। चाचा जी, अभी तो रेत इधर, यहाँ रेत आएगी नहीं, मिट्टी कहाँ है? वो बाहर निकली पड़ी, ये तो इतनी पक्की मिट्टी है। क्यों मूर्ख बनते, क्यों तबाह करते, डर पाया। चलो उसको खुदवाओ। हार्दिक धन्यवाद।